ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन राजीव नागौरिया इंग्लिश क्लासेस। कल हमने वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक रीड किया था, आज हम वर्ड स्ट्रेस के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड स्ट्रेस को कैसे लगाते हैं। तो देखो रूल्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस लगाने के क्या क्या रूल है। तो फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं कि जब किसी संयुक्त शब्द के दो अवयव एडजेक्टिव या नाउन विशेषण या संज्ञा है, तो जो कंपाउंड नाउन है, परिमाणी जो शब्द है, तो उस पर जो फर्स्ट जो लेटर होता है, प्रथम अक्षर जो होता है, उसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस लगाते हैं। और जो सेकंड जो अवयव होता है, उस पर सेकंड स्ट्रेस आता है। तो हम इस एग्जांपल को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे नाउन प्लस नाउन। और इसके नोट्स जैसे मैंने कहा कि ग्रुप में आपको सेंड कर दिए हैं, वहां से आप उनको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको रीड करेंगे। तो नाउन प्लस नाउन अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट जो वर्ड है उसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस का उपयोग किया जाता है, जैसे रेड क्रॉस। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब नाउन प्लस नाउन हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, टू संयुक्त वर्ण हो, तो ऐसे में जो प्राइमरी स्ट्रेस है, जो फर्स्ट जो वर्ड है उसके फर्स्ट सिलेबल पर लगाया जाता है और सेकंड पर सेकंड स्ट्रेस लगाया जाता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यस, हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, क्रॉस रोड नाउन प्लस नाउन। तो मैंने आपसे कहा कि इस तरह से टू संयुक्त वर्ण में जो एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो जो फर्स्ट सिलेबल है उसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सी के ऊपर क्रॉस रोड, यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे। ऐसे विंड स्क्रीन और डब्ल्यू टू पर आ जाएगा विंड स्क्रीन, ये दोनों नाउन प्लस नाउन है। तो अभी जैसे मैंने ये रूल आपको बताया है कि किसी संयुक्त शब्द के दो अवयव, चाहे विशेषण या संज्ञा हो या कंपाउंड नाउन में, तो उन पर जो प्राइमरी स्ट्रेस है, जो फर्स्ट अवयव है उसके ऊपर लगाया जाता है और सेकंड पर सेकंड स्ट्रेस लगाया जाता है। ऐसे ये जैसे डार्क है एडजेक्टिव में, रेड एडजेक्टिव में, रूम अप्रोच नाउन में, तो ये होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसमें क्या करेंगे, इसमें हुई है कि फर्स्ट वर्ड जो सिलेबल है इसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस लगाया जाता है, जैसे द रूम, उसका आ जाएगा आर का आ जाएगा रेड क्रॉस। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रूल है जो क्लियर किया है कि नाउन प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन यदि दिया गया है तो प्राइमरी स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल के ऊपर लगाया जाएगा
और सेकंड जो सिलेबल है उसके ऊपर सेकंड स्ट्रेस लगाया जाएगा। इसमें अभी हमने केवल फर्स्ट सिलेबल पर प्राइमरी स्ट्रेस की बात की, अब हम सेकंड रूल के बारे में देखते हैं। देखो सेकंड रूल की बात करते हैं। देखो सेकंड रूल है हमारा, जब किसी संयुक्त शब्द मतलब कंपाउंड वर्ड, जब किसी कंपाउंड वर्ड मतलब कि संयुक्त शब्द, जब किसी कंपाउंड वर्ड का जो परिणामिक शब्द है वो एडजेक्टिव प्लस नाउन की भांति काम करे। कैसे? एडजेक्टिव प्लस नाउन की तरह कार्य करें तो प्राइमरी स्ट्रेस तथा तो नाउन पर तो प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, ये जो नाउन पर प्राइमरी स्ट्रेस आएगा और जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर सेकेंडरी स्ट्रेस आएगा। ठीक है, जब किसी संयुक्त शब्द कंपाउंड वर्ड का जो परिणामिक शब्द है वो एडजेक्टिव प्लस नाउन की तरह कार्य करे, एडजेक्टिव प्लस नाउन की तरह कार्य करें तो नाउन पर तो प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, ये जो नाउन है इसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस आएगा और जो एडजेक्टिव है उसके ऊपर सेकेंडरी स्ट्रेस आएगा। ये फॉर्मूला इसमें आ गया। देखो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इससे वेल प्लस नाउन, वेल प्लस नाउन, अब देखो नाउन तो इसलिए तो नाउन है और ये वेर एडजेक्टिव है, तो अगर हम इससे बात करें तो ये हो जाएगा वेर प्राइमरी स्टेज, तो ये नाउन, ये आ गया सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट प्राइमरी स्टेज कहाँ लगेगा? नाउन के ऊपर। अब यहाँ ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है तो जो नाउन को प्राइमरी स्टेज आएगा, और अगर हम सेकेंडरी स्टेज लगाना चाहें तो कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। बट अभी ओनली प्राइमरी स्ट्रेस की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसके से गुड लुकिंग, गुड प्लस लुकिंग, तो देखो गुड इसमें एडजेक्टिव है और लुकिंग इसमें नाउन है, गुड प्राइमरी स्ट्रेस और लुकिंग, गुड लुकिंग, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल, जिसके नोट्स में आपको ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ वहां से, और आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यस, अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। रूल नंबर थर्ड, देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स जिनके अंत में आई ओ एन, ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में आई ओ एन लगा होता है उनमें जो प्राइमरी स्ट्रेस आता है, उनमें जो प्राइमरी स्ट्रेस आता है वो कहाँ पे आता है? वो अंतिम सिलेबल, जो लास्ट सिलेबल है, अंतिम सिलेबल से पहले वाले सिलेबल पर आता है। अंतिम जो लास्ट जो सिलेबल दे रखा है उससे पहले जो सिलेबल दे रखा है उस पर प्राइमरी स्ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान दो, यदि किसी वर्ड के अंत में आई ओ एन दिया गया है वहां पर प्राइमरी स्ट्रेस को कहाँ लगाना है? कि जो लास्ट जो सिलेबल उससे पहले जिस सिलेबल का प्रयोग किया गया है उसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो इसमें क्या दे रखा है? आई ओ एन, आई ओ एन। अब इसमें एक तो प्राइमरी स्ट्रेस कॉम्बिनेशन आ जाएगा आपका सीरियल, प्राइमरी स्ट्रेस कॉम्बिनेशन को लेकर जाएगा
मतलब प्रीपेरेशन, आई ओ एन। तो फर्स्ट इलेवन पी के ऊपर, ए के ऊपर, जैसे प्री पे रेशन। ये हो गया हमारा थर्ड बोनस। अब हम लास्ट बोनस की बात करते हैं। फोर्थ वन कि ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में, ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में आई टी वाई, ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में आई टी वाई दिया गया है, उनमें प्राइमरी स्ट्रेस कहां पे लगता है? तो थर्ड सिलेबल अंतिम से तीसरे वाले सिलेबल, अंतिम जो सिलेबल दे रखा है उससे तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगाते हैं। जैसे ऐसे कैपेसिटी। अब इसमें आप देख लीजिए कि आई टी वाई, इसके बाद तीन शब्द है, वन टू थ्री, तो प्राइमरी कहां होना चाहिए? यहां पर आएगा प्राइमरी स्ट्रेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने प्राइमरी स्ट्रेस के यूज करने के रूल्स को एक्सप्लेन किया है। अब मैं नेक्स्ट हमारी वीडियो में आपके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको डालूंगा जिनको आपको लर्न करना है, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।